ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सूरज ढलने के बाद शाम को क्या नहीं करना चाहिए, कुछ काम ऐसे जो नहीं करने चाहिए। संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है तो वो समय हमारे धर्म में पूजा पाठ का समय बताया गया है। रोजगार वाले व्यक्ति तो चलो अपना कर्म के कारण उस समय रोजगार में रहते हैं, पर यदि हम फ्री हैं तो हमें उस समय कुछ ऐसे काम तो करने ही नहीं चाहिए जो हमारे गलत परिणाम लेके आए। हमने बुजुर्गों से सुना होगा कि संध्या के समय ये नहीं करो वो नहीं करो, क्योंकि बातें बहुत समय से हमारी धार्मिक परंपराओं का एक भाग बन चुकी है। हम जो आपको बता रहे हैं मनु ग्रंथ के हिसाब से बता रहे हैं, विष्णु पुराण के हिसाब से बता रहे हैं, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। मनु ग्रंथ में एक श्लोक है कि संध्या के समय चार काम नहीं करने चाहिए। श्लोक है, चत्वार खिलु कार्यान संध्या काले वर्जयेत। चार कार्य संध्या काल में नहीं करना चाहिए। चत्वार खिलु कार्यान संध्या काले वर्जयेत। अगला जो लाइन है उसका वो है, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यांच चतुर्थकम। मतलब भोजन, सहवास, सोना और पढ़ना। संध्या के समय पूजा पाठ करें, उस समय भोजन या अन्य विषयों का भोग न करें। संध्या के पूजन के समय पति पत्नी को रति क्रिया नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू भी नहीं लगाएं, क्योंकि यह समय देवी लक्ष्मी के आगमन का माना गया है। झाड़ू लगाने से वो रुष्ट हो सकती है। संध्या के समय नाखून भी नहीं काटने चाहिए। संध्या के समय विद्यार्थी को पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। संध्या काल में सोना भी गलत बताया गया है, इस समय सोने वाले का भाग्य भी सो जाता है। शाम होने के बाद किसी को अपना धन उधार नहीं दें, इसे आप अपनी लक्ष्मी कृपा उसे दे रहे हैं। अब आप पूछेंगे, भाई सब तो वर्जित हो गया, संध्या में क्या करें? संध्या के समय सूर्यास्त पर आप भक्ति साधना करें, पूजन का कार्य करें, इससे आपका भाग्य मंगलकारी हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।